ट्रेलर देखकर ही गूज बम आ गए। जब मूवी आएगी तो पता नहीं क्या हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा थलाई मूवी ट्रेलर के बारे में, जो 23 अप्रैल को रिलीज होने वाली है थिएटर के अंदर। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विजय सर ने, और इसके अंदर मेन कास्ट है 67th नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतने वाली कंगना रनौत। भाई साहब, आप इनके बारे में कुछ भी बोल लो, भले इनके ट्वीट के बारे में कुछ कह लो, या फिर आप इससे नफरत कर लो या प्यार कर लो, बट एक चीज आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि भाई ये जो है एक्ट्रेस, उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं है। सच में ये ट्रेलर देखोगे तब पता चल जाएगा, केवल इस ट्रेलर से ही पता चलेगा कितने जबरदस्त एक्शन एक्सप्रेशन इन्होंने दिए, क्या जबरदस्त डायलॉग इन्होंने बोले हैं। इस मूवी की कहानी बेस होने वाली है जयललिता जी के ऊपर, जो तमिलनाडु में 6 बार चीफ मिनिस्टर रही थी और उनको वहां पर अम्मा कहकर पुकारा जाने लगा था, और आज भी लोग उनको अम्मा ही कहते हैं प्यार से। और यहां पर जो इस मूवी का नाम लिखा गया है थलवई, ये एक्चुअल में इसका मतलब है लीडर, मतलब इनको एक और नाम से वहां पर पुकारा जाता था, लीडर कहा जाता था, तभी इसका नाम जो है थलवई रखा गया है। पॉलिटिक्स में आने से पहले जयललिता जी ने 140 मूवी के अंदर काम कर चुकी थी वो, और जब ये आई थी तो 1991 से 2016 तक ये चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी 6 टाइम्स। 2016 में 5 दिसंबर को इनका देहांत हो गया था, और इनके देहांत को या जो इनकी डेथ हुई थी यहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर, मैं उसके ऊपर डिटेल से नहीं जाने वाला हूँ, मे बी शायद वो चीज़ें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाए। अगर ऐसी मिलती हैं तो डेफिनेटली मैं बात करूंगा जब इस मूवी को देख लूंगा तब। और जयललिता जी का पॉलिटिक्स में आना, वहां पर यह बताना कि जो पुरुष जो वहां पर थे उस वक्त, उनका मेल डोमिनेटेड था कि भी पुरुष ही पॉलिटिक्स करेंगे, और जयललिता जी आती हैं तो केवल आती ही नहीं है, एक इंस्पिरेशन का मतलब एक मिसाल बन के आती हैं सबके सामने। 6 बार चीफ मिनिस्टर रहती हैं और सबको दिखा देती हैं कि यार महिला जो है वो किसी से भी कम नहीं है। और इस जर्नी को बड़े ही जबरदस्त तरीके से प्ले करती हुई नजर आएंगी कंगना रनौत। क्या जबरदस्त उनको उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं, क्या डायलॉग डिलीवरी है, खासकर जो पार्लियामेंट वाला जो सीन मैंने देखा, इतना जबरदस्त मुझे लगा, जो उनको मतलब हिट हुआ उनके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा, फिर वो नीचे गिरी, फिर उनके एक्सप्रेशन वो देखने वाले थे, जबरदस्त यार, ऑसम। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, देखो ये फिल्म फेयर अवार्ड विनर तो है नहीं कंगना रनौत की, हाँ फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है नहीं मिला हुआ वो देखें, भाई साहब वो फेक अवार्ड्स होते हैं जो पैसों में या फिर ऐसे एंटरटेनमेंट के तौर पर दिखाए जाते हैं। ये नेशनल अवार्ड विनर है, इसकी मान्यता होती है, और जब नेशनल अवार्ड विनर किसी मूवी में आते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक होती है। और सेम टू सेम जब ये 23 अप्रैल को रिलीज होगी, इनकी परफॉर्मेंस देखने लायक होने वाली है। और इनकी जब एक कन्वर्सेशन होती है पार्लियामेंट के अंदर, जब वहां पर नॉर्थ और साउथ को लेके एक कन्वर्सेशन दिखाई गई, जिसमें एक कहा जाता है कि मुझे नहीं पता था कि साउथ वाले इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, इसके ऊपर कंगना रनौत एक जवाब देती हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि नॉर्थ वाले इतनी अच्छी इंग्लिश समझ लेते हैं। यार कमाल की चीज थी, और सच में मुझे लगता है कि यार जो साउथ के जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो भाई साहब अल्टीमेट लेवल की होती है, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से वो बोलते हैं। और जो लास्ट का जो डायलॉग है जिसमें कंगना रनौत कहती हैं कि अगर तुम मुझे माँ समझोगे तो तुम्हें दिल में रखूंगी, और मुझे अगर महिला समझोगे, ये बात जैसी उन्होंने बोली उनके एक्सप्रेशन देखो यार तुम। मैंने इस ट्रेलर को तमिल लैंग्वेज में भी देखा, हिंदी में तो देखा ही देखा, साथ में तमिल वाले को भी इसको देखा, तो वहां पर भाई साहब इन दोनों लैंग्वेज में भी जो वहां पर पब्लिक ने जो रिएक्शन दिया है कमाल का है। और सच कहूं जो 67th अवार्ड जो जीती है वो बेस्ट एक्ट्रेस का, वो 2019 का, 2020 का तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया, और ये 2021 का मुझे लगता है कि ये वाला अवार्ड भी ये लेके चली जाएंगी कि लाओ भैया ये मुझे दे दो। तो ये कमाल की चीज है। अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देखा तो प्लीज बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और सच में मूवी का जो ये ट्रेलर दिखाया गया है, मैं ये कहूंगा कि यार ये होते हैं ट्रेलर जिनको देखकर लगता है कि हाँ मूवी देखी जानी चाहिए, एक्साइटमेंट हो जाती है अंदर से, मतलब खुशी होती है देखकर, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, कितनी जबरदस्त मतलब इसमें कहानी होने वाली है। देखो अब तो बहुत सारी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मुझे सच में पॉलिटिक्स रिलेटेड तो वैसे ही मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है, और जब ये मूवी आएगी तो डेफिनेटली ये मूवी देखने के लिए तो भैया डिजर्व करती है, और आप भी जाएं 23 अप्रैल को इसको देखने। तो अगर आप लोगों ने देखा है ये ट्रेलर तो प्लीज बताना कि आप लोगों की क्या रिएक्शन रहे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।